पॉइंट धरा को अब दास नहीं होने देंगे, धर्म सनातन का उपहास नहीं होने देंगे, और कितने भी प्रयत्न करें मंथरा फिर से रघुवर को वनवास नहीं होने देंगे। वो पिंकी और पप्पू दोनों साथ में घूमते हैं, उनको घूमने ही दो, उनके बस की बात ही नहीं देश चलाना। यहाँ आके हमने जो अकेले नंदी के दर्शन किए हैं ना, अब दूसरी बार आएंगे ना तो वो दीवार के पीछे एक वाला भगवान है ना, उनका भी दर्शन करके जाएंगे अब की बार। गली गली गूंज रही नारों से, कंठ डली पुष्पों की माला, रामी जाने किसके हिस्से आएगी मृगों की छाला, और साम दाम दंड भेद और साम दाम दंड भेद और भरते ओंकार प्रपंचों पर सारे गिरगिट एक हो गए राजनीति के मंचों पर। नमस्कार, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल किया है, उसके बाद यहाँ के लोगों का उत्साह और जुनून काफी है, और कुछ लोग हैं जो दर्शन करने आए हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त गदौलिया चौक पे है, इनसे जानेंगे पहले ये कहाँ से आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे टर्म को किस तरह ये देखते हैं। तो मैडम नमस्कार जी, आपसे शुरू करते हैं। हम गुजरात से आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्जरी त्रिवेदी है, मैं गुजरात से अहमदाबाद से आई हूँ, और मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आज वैसे तो मोदी हमारे हैं, मगर आज ऐसा नहीं लग रहा है कि वो हमारे, वो पूरे काशी के तो हो गए मगर पूरे राष्ट्र के, पूरे विश्व के हो गए, वो ऐसा लग रहा है आज तो हमें देख कर इधर। और इधर मोदी भगवान मानते हैं ऐसा लगता है हमको, मोदी भगवान है ऐसा लग रहा है। हमारा मोदी हमारा काशी और आकर देखा और अच्छा लग रहा है सच में। मोदी जी की विक्ट्री हम इतनी तरह खूब तरह से मोदी जी को जिताएंगे, हम नहीं अहमदाबाद वाले गुजरात वाले नहीं, पूरे भारत वाले मोदी को इतना प्यार करते हैं, और ये देखा हमने 400 पार तो है ही हो जाएगा, मगर बहुत अच्छा लग रहा है। 400 पार कर देंगे मोदी या सिर्फ भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा। गुजरात में फुल फाइनली फाइनल गुजरात में तो वैसे इलेक्शन के बिना ही हमने तो एक तो बिना इलेक्शन के ही हमने तो एक तो जीता दिए ना, और गुजरात के लिए तो वो प्रश्न है ही नहीं कि मोदी जीतेगा, वो तो वहाँ के ही है, वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे, मगर पूरे देश में जीतेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं भाजपा सिर्फ 150 सीट से ऊपर नहीं पाएगी, उनको कुछ पता ही नहीं चलता। वो पप्पू है, वो उनको कुछ पता ही नहीं चलता, वो क्या पप्पू है, वो पप्पू है, वो कह रहे हैं 150 से पार नहीं करेंगे, नहीं नहीं करेंगे, उनको कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ पता ही नहीं चलता उनको। वो पिंकी और पप्पू दोनों साथ में घूमते हैं, उनको घूमने ही दो, उनके बस की बात ही नहीं देश चलाना, इसलिए उनके बारे में तो कुछ पूछो ही मत। मैडम आपके मोदी जी और देश के मोदी जी पे आरोप लगता है कि मोदी जी ने महंगाई बहुत बढ़ा दी। नहीं नहीं, इधर हम घूम रहे हैं, हमें महंगाई जैसा कुछ लग ही नहीं रहा, पूरे लोग इतने आराम से घूम फिर रहे हैं, तो कहीं भी पैसे और नहीं, बात क्या है पैसे मिल भी रहे और लोग खर्च भी कर रहे हैं, तो वो बात महंगाई वाली तो है ही नहीं। कांग्रेस महंगाई वाली आगे कुछ नहीं है, मोदी ही होगा। अरे वो कह रहे कि जो तजर्बा जो एक्सपीरियंस कांग्रेस के पास में देश को चलाने का है वो मोदी के पास में है ही नहीं, मोदी को तो ऐसे बोलते हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं किया आज तक, किया क्या इतने सालों तक उनके पास गवर्नमेंट थी, क्या किया कांग्रेस, कुछ नहीं किया है। तो कि सुई से जहाज तक भारत को हमने दिया, नहीं 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 कुछ भी नहीं किया है, वो जहाज नहीं क्या, वो जहाज से डुबो दिया है, बर्बाद होते होते अभी हम ज्ञान वापी देख कर आए, हम सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम आए ना तो वो काशी विश्वनाथ नहीं, ज्ञान वापी के साथ दर्शन करे, हम वो देखने रहे, और हम सोच रहे कि नेक्स्ट टाइम वो ही मिलेगा हमको दर्शन के लिए। वो नंदी जी के दर्शन तो करके आए, अब हम दूसरी बार आएंगे ना तो वहाँ के शिवलिंग के भी दर्शन करके हम जाएंगे, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करके आए, और हमें विश्वास है कि मोदी वो हमारी मंशा पूरी करेंगे। भारत माता की जय। प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी को इज्जत से पेश आना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी कभी कभी इतनी अभद्रता कर देते हैं कि मोदी बोल देते हैं कि मोदी नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, मुझसे लिख के ले लो। आलू से सोना निकाले, इटली जाके मामा के घर जाके आलू से सोना निकाले। कैसा लगता है कि एक प्रधानमंत्री को इतनी अभद्रता के साथ बोल रहा है? जिसके अंदर मैनर्स है ना, अगर ऐसा है ना, हम अगर किसी और को रिस्पेक्ट देते हैं ना तो रिस्पेक्ट मिलेगा, उनके पास रिस्पेक्ट देने के वाला है ही नहीं, तो फिर वो उनको रिस्पेक्ट के बारे में वो जानते ही नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं, अगर जो जानता है वो ऐसा नहीं बोलता है। आज आप बनारस घूमी हो और जगह भी आप घूमती होंगी, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, ये बताइए क्या
गुजरात के लिए मोदी जी ने कुछ स्पेशल किया? गुजरात के लिए तो बहुत किया है। मतलब कोई भेदभाव किया अन्य राज्य? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गुजरात में ही नहीं, पूरे देश में मोदी जी ने किसी के लिए भेदभाव नहीं किया है। और वो हम नहीं, किसी और कास्ट के लोगों को पूछिए, किसी और कम्युनिटी को पूछिए, वो सब बोलेंगे। जो ऑनेस्टली है वो बोलेंगे, जो पैसे से बिक गया है वो तो कुछ भी बोलेगा, वो सही बात है। मोदी जी पे आरोप भी लगता है कि मुसलमानों को थोड़ा ना पसंद करते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उस्ताद। भैया गुजरात में कर्फ्यू पड़े, कई सालों बीत गए, वो मोदी है हमारा, वो लल्लू क्या समझाएगा हमको? छोटा दूध पीता निपल डालो उसके मुंह में। राहुल जी को पूछिए कि गुजरात में या पूरे देश में नौ माता जी के नाम बिना किसी को पूछे बता दे। नौ माँ, नौ माँ, हमारी जो माए होती है नौ दुर्गे माँ, उनका नाम बिना किसी से पूछे नौ माँ का नाम बता दे। कुछ पता नहीं है, बता सकेंगे बिना किसी को पूछे? तो क्या आपको क्या लगता है, बता देंगे कि नहीं? नहीं बताएंगे। कुछ क्या विकास क्या करेगी गुजरात का? क्या किया इतने सालों तक उन्होंने, क्या किया? आप ही, मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि बनारस में आज थी कितने सालों से कांग्रेस थी या कोई भी सरकार थी, जब से मोदी आए हैं उसके बाद और उसके पहले का डिफरेंस आपको नहीं दिखता? बहुत अंतर है, है ना? बस जवाब आपके पास ही है। क्या लगता है कि मोदी जी का 400 का लहर बरकरार है या खत्म है लहर? 400 के पार होंगे, होंगे और अवश्य होंगे। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। हम भगवान को ये प्रे करके आए हैं कि हमें सिर्फ मोदी का ही जिताना है। अंदर ये मांगा है भगवान से? हाँ, क्यों नहीं। और यहाँ आके हमने जो अकेले नंदी के दर्शन किए हैं ना, अब दूसरी बार आएंगे ना तो वो दीवार के पीछे एक वाला भगवान है ना, उनका भी दर्शन करके जाएंगे अब की बार। बंद हुआ है अभी, छुप कर रखा है ना, वो भी बाहर आ जाएगा। हाँ, वो भी बाहर देख के दर्शन करके जाएंगे और हम भगवान को बता के आए हैं कि हम दूसरी बार आएंगे और नंदी के अकेले नहीं, शंकर के भी दर्शन करके जाएंगे। हम किसी का बुरा नहीं चाहते। ये बताओ, आप गुजरात वाले योगी आदित्यनाथ जो यहाँ के सीएम है, दो बार के सीएम, उनके बारे में क्या सोचते हैं? वो भी हम उनके भी, वो मोदी की दूसरी सिक्के की दूसरा पहलू है। मोदी जी के दूसरी पहलू ही है योगी जी, हम उनको भी सैल्यूट करते हैं, उनके भी हम दीवाने हैं। और एक बार और बताना चाहती हूँ मैं, मोदी जी, योगी जी और अमित जी हमारे लिए राम, भरत, ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। कुछ लोग ये कहते हैं कि राजनीतिक, आप पुरुष हैं, आप थोड़ा आगे आइए। कुछ लोग कहते हैं कि दो राजनीतिक माफिया 2014 के बाद आए, जिनका नाम अमित शाह और जिनका नाम मोदी। अरे आपको मैं बता रहा हूँ, वो दो तो है ही अपने यहाँ, लेकिन अगली बार प्रधानमंत्री की जो बात आएगी ना, तो ये अपना योगी आएगा मोदी के बाद। ये दुनिया वाले भी समझ लेते हैं और हम भी समझते हैं, अगला प्रधानमंत्री बनेगा तो योगी बनेगा। इस बार क्या माहौल लगता है मोदी जी का 400 वाला? 400 के पार ही है, उसको कोई रोकने वाला दुनिया का कोई मैं अभी देखता नहीं हूँ, और कई सालों तक मोदी चलेगा। राहुल गांधी यहीं पड़ोस में रायबरेली की सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। अभी जीतेगा तो बहुत बड़ी बात है, वो जीत पाएगा नहीं, डिपॉजिट जाएगा उसका। और अभी वो बच्चा है, वो मोदी के आगे छोटा सा बच्चा है, दूध की निपल उसके मुंह में डालो, उसकी जरूरत ही नहीं है। क्या चीज है वो, उसको से पढ़े हैं, कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हम कर देंगे कोई नहीं कर। अरे मामा के घर जाके वो आलू के सोना निकाले, वो आलू में से सोना निकाले मामा के घर। इधर इसकी जरूरत नहीं है, ना सुनिया की है। उसके हाथ में सत्ता थी तो कितना डेवलप किया सबने देखा है। अभी मोदी की, मोदी जी के हाथ में है तो देखा ना आपने कितना डेवलप हुआ है हमारे गुजरात का। हाँ, वो उनको सुना, सब लोग वोट देते हैं ना, वो मोदी जी के नाम से ही वोट देते हैं, वो विकास को ही देखते हैं। सुना किए मोदी जी, बहुत विकास किया है, क्या नहीं किया वो सवाल है। कह रहे कि बेरोजगारी मोदी के राज में सबसे चरम पे, वो तो भी हमको पसंद है, तो भी हमको पसंद है, पसंद है मोदी, पसंद है। कुछ भी करना पड़े मोदी, करना पड़े, आना ही आना है। हम खाना भी घूम रहे हैं, मगर मोदी की बात आई तो हम सब भूल जाते हैं। पहले मतदान किया फिर जलपान किया है हमने, पहले जाके मोदी जी को वोट दिया है। आप विदेश में जाओ, वो कौन खड़ा है वो हमने नहीं देखा। दुनिया का कोई प्रधानमंत्री का इज्जत नहीं है, जितना
विदेश में अपना इज्जत है, हिंदुस्तानी सब लड़के लड़कियां रहे, उसका जो इज्जत बढ़ा है वो मोदी है, वो मोदी है। लड़कियां 2 बजे निकले ना रात को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इतना गुजरात में अच्छा है। रात को घूमने में गुजरात में कोई नहीं, कोई नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम बनारस वाले के लिए एक संदेश छोड़ के जाना चाहते हैं, हम बनारस वालों के लिए एक संदेश छोड़ना चाहते हैं और उनको हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कभी भी किसी की बातों में मत आना और सिर्फ अपने मोदी जी को ही जिताना। हर हर महादेव। सबसे ज्यादा स्क्रब मिले वो हम मोदी। हर हर मोदी। देखिए मैं अखिल भारत टूर एंड ट्रैवल अहमदाबाद से आता हूँ और मैं इंडिया लेवल पे घूमता हूँ। मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता हूँ और एशियन कंट्री में भी जाता हूँ, लेकिन मैंने देखा है जो मोदी जी का जो दुबई, अभी लास्ट में मैं दुबई से आया हूँ ट्रिप करके, मेरे साथ में जो लोग थे उनका ओपिनियन मैंने देखा, वहाँ के लोकल होटलों का देखा है, जो मोदी जी कर रहे हैं वो अब तक किसी को नहीं किया। विदेश में भी बिल्कुल, मैं ये लाइव दिखा सकता हूँ, मेरा पासपोर्ट भी दिखा सकता हूँ। वो कह रहे हैं कि मोदी जी के आने पर हमें जो इज्जत मिल रही है, इसके पहले हमें इंडिया में भी नहीं मिलती जो आज फॉरेन में मिल रही है। वो तो सही है, ऐसा करिश्मा है मोदी जी। बिल्कुल, हमारे साथ इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे हम कोई गेस्ट नहीं है, उनके भगवान आए गए, इस तरह से हमें इज्जत मिल रही है। लेकिन विदेश में इज्जत, लेकिन देश के अंदर कुछ लोग बेइज्जत करते रहते हैं, इसकी वजह सिर्फ एक ही है। बहुत मान है। एक बात बताइए, क्या आज तक कभी गठबंधन इतना इकट्ठा हुआ था इसके पहले? कभी नहीं। वो डर गए। उसमें से कौन से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अभी तक वो ये तय नहीं कर पाया कि प्रधानमंत्री किसको बनाना है? राहुल गांधी को बना देंगे वो। लगता है आपको सपोर्ट करेंगे? लगता है आपको सपोर्ट करेंगे? नहीं नहीं करेंगे। अब तक वो खुद आपस में झगड़ रहे हैं कि क्या करना है, किस किस को प्रधानमंत्री, शरद पवार जी को प्रधानमंत्री बनना है, राहुल गांधी जी, अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनना है, केजरीवाल जी को बनना है, ममता बनर्जी को बनना है। मैं तो आपको गिनती करवा दूं उंगलियों पे, ये कभी नहीं हो सकता। इनका सपना है, सपना ही रह जाएगा, सपना ही रह जाएगा, ये सपना है। देखिए इसके पहले कितने लोगों ने सपना देखा, मुलायम सिंह जी ने सपना देखा अधूरा रह गया, काशीराम जी ने सपना देखा अधूरा रह गया, कितने लोगों ने सपना देखा, किसका पूरा हुआ मुझे ये बता दीजिए। तो ये भैया सपनों देखने का कोई पैसा नहीं लगता है, आप देखते रहिए। एक वीडियो आया था, उसमें एक दुल्हा था और उसके साथ बहुत सारे बाराती थे, आपस में बोल रहे थे मैं दुल्हा। वो गठबंधन वाली बात ये है, किसी को पता नहीं है कि कौन बड़ा प्रधान बनेगा, सबको बनना है, किसी में एबिलिटी है ही नहीं, कोई बन ही नहीं सकता, जो है वो ही ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, भारत माता की जय। सर क्या नाम है आपका? अनिल पूरवाल। अनिल पूरवाल जी, पूरवाल। अच्छा, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से आए जी। जी ये क्या माहौल है मोदी जी का, 400 सीटों का जो गणित है वो ठीक है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है। कैसे आएंगे 400? बिल्कुल आएंगे। कैसे आएंगे जी? चारों तरफ माहौल बना हुआ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चारों चरण में पिट गई भाजपा, ऐसा कुछ नहीं है, उनका कहना है, लेकिन पब्लिक मोदी जी के साथ है। क्यों साथ है मोदी जी के साथ? मोदी जी ने विकास किया है, मोदी जी ने काफी कार सड़कें देखो, ये चमक है ना, ये सारी ये सब मोदी जी की है, जो हम आज देख रहे हैं। अयोध्या का नक्शा बदल गया है, हम वहाँ घूम के आ रहे हैं, अयोध्या जी वहाँ का नक्शा ही बदल गया है, पहचान में ही नहीं आ रहा कि ये वो अयोध्या है जो पहले थी। जगह जगह के नक्शे हमारे पास, मथुरा वृंदावन सब बदल चुका है, विकास विकास हुआ है भाई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार मोदी नहीं जीतेंगे। ना ना ना, मोदी ही जीतेंगे, मोदी जमीनी हकीकत यही है कि मोदी ही जीतेंगे। वो कह रहे हैं कि 400 तो पाएंगे ही नहीं, फिर 411 नहीं, 400 से ऊपर जा रही हैं सीटें तो, 400 से ऊपर जा रहे हैं, 411 क्या कैसे आएंगे? अरे उन्होंने वर्क किया इतना, विजय तोमर का सम्मान हो रहा है, इंडिया की बात अलग है, इंडिया की बात अलग है। हम उसी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं जहाँ पे अखिलेश के घर से आए हुए हैं, उनकी 3 ही सीट आएंगी केवल, यहाँ पे 3 ही सीट आएंगी यूपी, केवल यूपी में सिर्फ 3 सीट आएंगी, आप देख लेना, वादा करके जा रहे हैं हम। अरे वो कह रहे हैं कि 140 3 सीट आएंगी, चौथी नहीं आएगी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि स्वर्ण धरा को अब दास नहीं होने देंगे, धर्म सनातन का उपहास नहीं होने देंगे, और कितने भी प्रयत्न करें मंथरा, फिर से रघुवर को वनवास नहीं होने देंगे। और सुनिए अभी, मेरा नाम कवि दिलीप कुमार, दीपक नाम है मेरा। दीपक जी और बताइए, दीपक किसका जलने वाला है 4 जून को? दीपक जलेगा मोदी और योगी का, अब की बार 400 से भी पार आएंगे। क्या कहना चाहोगे मोदी और योगी की जोड़ी पे, कुछ 2 लाइनें तो हम जरूर सुनेंगे आपसे। 2 लाइनें यही हैं कि मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम
हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अखिलेश जी के बारे में दो लाइन। अब सर उनको क्या बोलूं, अब तो साइकिल का जमाना कहाँ रखा है ये बताइए, बस बस इतना ही बोलूं। लाइनों के अंदाज से साइकिल के लिए दो लाइन अगर हो जाए तो बढ़िया रहेगा। मैं तो बस देखो, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि गली गली गूंज रही नारों से कंठ डली पुष्पों की माला, गली गली गूंज रही नारों से कंठ डली पुष्पों की माला, रामी जाने किसके हिस्से आएगी मृगों की छाला, और साम दाम दंड भेद और साम दाम दंड भेद और भरते हुंकार प्रपंचों पर सारे गिरगिट एक हो गए राजनीति के मंचों पर। आप बताइए कितनी सीटें मोदी जी पा रहे हैं? 402 सीटें मोदी पा रहे हैं। 402 जी जी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 140 करोड़ की जनता ने मन बनाया कि भाजपा को 140 सीटों पर सिमटा दे। अखिलेश जी की सिर्फ 3 सीट आ रही हैं। कैसे आ रही है 3 सीट? और सीट रिया 3 सीट आ रही है, कुल 25 सीटें तो अपनी घोषणा। नहीं 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 नहीं, अखिलेश जी हर बार हर चुनाव में यही कहते हैं, इलेक्शन जब होता है कि पहले आप भाजपा बाद में साफ, वो लास्ट तक आते आते अंतिम चरण खुद ही साफ हो जाते हैं, खुद ही साफ होते हैं। इसलिए मोदी जी और योगी जी की जोड़ी बहुत अच्छा वर्क कर रही है देश में और पूरे विदेश में नाम हो रहा है, इसलिए मोदी जी की सरकार दोबारा आ रही है और 400 पार हो रहा है, विदेशों में नाम हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि ये सब झूठ है, ये सब ऐसे ही चलाया जा रहा है। ऐसा है, राहुल गांधी की माताजी ने और उनके नाना जी ने अगर काम इतना किया होता तो मोदी जी को इतना काम नहीं करना पड़ता। हाँ, देश आज़ाद हुआ है तब से उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ देश को लूटा है, यही इसलिए हमारा देश आज पिछड़ा हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि मेरी दादी ने शहादत दी, मेरे पिता ने देश के लिए कुर्बान। शहादत नहीं, उनकी हत्याएं हुई थी, शहादत नहीं होती है, आज़ादी की लड़ाई थोड़ी लड़ी थी उन्होंने, ठीक है। वो तो केवल उनकी हत्या हुई थी विरोध में, इसलिए इसे केवल मोदी और योगी इसमें शासन करेंगे और 50 सालों तक भाजपा को कोई हटाने वाला नहीं है, ना यूपी से और ना ही देश से। लेकिन गठबंधन का सामना कैसे करेगी भाजपा, इतना बड़ा गठबंधन? जैसे गठबंधन का पिछला सफाई हुआ, पिछली बार भी गठबंधन था, लेकिन गठबंधन साफ हो जाता लास्ट तक आते आते। कोई इंडिया गठबंधन बिल्कुल बेकार है, केवल मोदी जी का एनडीए गठबंधन ही 400 पार करेगा। 400 पार करेगा तो बिल्कुल। अभी आप तो युवा हैं, तो युवा की बड़ी समस्या है, राहुल गांधी कह रहे हैं युवा बड़ा परेशान है उत्तर प्रदेश का। नहीं, नहीं, ऐसा है, युवा परेशान नहीं है, सबको रोजगार मिल रहा है, सबको काम मिल रहा है, सब कुछ नहीं है। राहुल गांधी जो कहते हैं कि रोजगार रोजगार, वो रोजगार दे ही नहीं पाए। चाचा कुछ कह रहे हैं, इनसे बात करिए। नहीं नहीं, युवाओं की बात पे वो कह रहे हैं कि हम 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। अगर 30 लाख सरकारी देते हम भी उनके जमाने में लेखपाल थे, आज हम भी बेरोजगार हो गए क्या? सब उनको सबको उन्होंने रोजगार दे दिया था क्या? रोजगार पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, खूब भर्ती हो रही है, योगी जी ने भी खूब भर्तियाँ की हैं और देश में खूब रोजगार है सबके पास, कोई भूखा नहीं मर रहा है, राशन मिल रहा है लोगों को और काम भी मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि सालाना महिलाओं को 1 लाख रुपए की धनराशि देंगे, लोगों को लेने। देखो ऐसा है, नहीं नहीं, वो 5 लाख भी देख सकते हैं, उन्हें मालूम है आएंगे नहीं, वो 5 लाख भी कह सकते हैं हम 5 लाख देंगे, उन्हें बताया हम आएंगे नहीं, झूठे वादे करने में क्या जाता है। वो कह रहे हैं कि आज भारत खतरे में है, मोदी के हाथों में, उनको सुरक्षित करना। सुरक्षित हाथों में है भारत, सुरक्षित हाथों में, देश में कोई दंगा नहीं हो रहा है, कोई कहीं पे किसी प्रकार की चोरी, बिल्कुल सब कुछ बंद हो गया, लूट खसोट गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है देश से, पूरा विकास के मार्ग पर चल रहा है देश। वो कह रहे हैं कि जब गुंडे ही सत्ता में बैठेंगे तो गुंडागर्दी करेगा कौन? अरे तो गुंडा कौन बैठेगा? विपक्ष कह रहे हैं। विपक्ष क्या कह रहा है? कौन गुंडे ही, क्या गुंडे ही सत्ता में बैठ गए तो गुंडागर्दी, गुंडे ही खत्म है, उनकी गुंडागर्दी खत्म हो गई, वो तो यही उल्टे सीधे बयान देंगे। राहुल गांधी को कहाँ देखते हैं, रायबरेली से मैदान में खड़े? रायबरेली से मुझे नहीं लगता है, अमेठी अपना गढ़ जब पहले हार चुकी हैं तो रायबरेली बचा पाएंगे मुझे ऐसा नहीं लगता। वायनाड से इसीलिए भागे मोदी, कह रहे थे कि नहीं 300 सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन उनकी, पूरी इंडिया के मुश्किल से 30 सीटें आएंगी, कांग्रेस की 30 सीटें आएंगी, आप लिख लीजिए आप पूरे भारत में, बिल्कुल उनकी पहले 47 थी, अब 30 के अंदर ही आ जाएंगे। राहुल गांधी भी लिख के दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी नहीं आएगा इस बार। गारंटी लिखने से क्या, कहने से क्या होता है, जो जनता बोल रही है ना, बाबा की कृपा। आप सब कुछ देखो, आप नेटवर्क लेके पूरा घूम रहे हैं, आपको खुद पता चल रहा है कि देश कहाँ किसके साथ खड़ा हुआ है इस समय। महिलाओं से थोड़ा लो, हमसे बहुत हो गया, महिला आपका जवाब। हम तो चैन में है क्योंकि पहले भैंसे खुल जाती थी, चोरी हो जाती थी, ताले टूट जाते थे सपा सरकार में, अब बीजेपी सरकार में कोई ताला नहीं टूट रहा है, सुरक्षित है, बढ़िया टांग फैला के सोते हैं आराम, चैन से नींद सोते हैं, पंखा चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। शाम के टाइम मैडम आप बताइए महिलाओं का पक्ष किसके साथ है? मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ जी, क्यों?
इतनी सुरक्षा है, अब आराम से हम लोग कहीं पे भी आते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और पहले तो घर से निकलना ही मुश्किल हो जाता था। क्या समस्या होती थी पहले? समस्या होती थी इतनी, चारों तरफ कहीं पे भी जाते थे ये लगता था कि अपने आप को महसूस ही नहीं कर रहे हैं कि मतलब मेरे साथ कोई है। और अब तो आराम से जा सकते हैं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो महिलाएं चाहती हैं कि मोदी जी की सरकार बने? हाँ बिल्कुल चाहती हैं। क्या मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार करेंगे, महिलाओं का पूरा योगदान है उसमें? बिल्कुल पूरा योगदान है। जय श्री राम। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।